Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा आपके साथ, और आज हम बात करने वाले हैं अपने 30th अप्रैल करंट अफेयर्स की. आज कौन सा डे है बताएं आपको? आज नेशनल एंटी चाइल्ड लेबर डे है. ठीक है, तो आज जो दिवस है वो हमने आपको बता दिया. आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको मोटिवेशनल कोट आज का, जो आपके सामने अभी तुरंत आने वाला है. मोटिवेशनल कोट देखिए और मोटिवेट होइए. तो कंप्यूटर जी आपको यहाँ पे मोटिवेशनल कोट तुरंत दिखा रहे हैं, और इस मोटिवेशनल कोट का कहना क्या है देखिए. हमेशा हम लोग अपने आप को हीन भावना से देखते हैं, हम हीन भावना से ग्रस्त होते हैं जब हम प्रिपरेशन करते हैं. अपने आप को हम कमज़ोर समझते हैं, बिल्कुल भी नहीं. अगर आप यहाँ पर हैं तो अपने आप को थैंकफुल करिए, कहिए भगवान को थैंकफुल कहिए, और अपने पेरेंट्स को थैंकफुल कहिए जो आपको अभी सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, वो चीज़ कंडीशन ठीक है, लेकिन अब आगे क्या करना है ये आपको डिसाइड करना है. आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट होने वाला है, जो कल है वो आपके हाथ में है, तो इसे और ब्राइट बनाइए. मेहनत करिए, मेहनत से मत भागिए, डरिए मत, बी स्ट्रांग, आप रॉक स्टार हैं. चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की, और आपको एक इंडेक्स दिखाते हैं क्या क्या हम आपको पढ़ाने वाले. तो यहाँ पे रिपोर्ट और इंडिसेस से लेकर आपको एक्स्ट्रा हाईलाइट तक हम पढ़ाएंगे, ये सब चीज़ आपको आज हम दिखाने वाले हैं. चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पॉइंट की, और क्या दिखाने वाले हैं इस पर हम. तो सबसे पहले हम आपको 20 रुपीज़ का नोट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे. 20 रुपये का नोट जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर दिया है, 20 रुपये का नोट जो कि महात्मा गांधी सीरीज का नया नोट होगा. इसका डायमेंशन आपके सामने यहाँ पर है, 63 mm into 129 mm. ये आपका बेस कलर क्या होगा इसका, देखिए ग्रीनिश येलो होगा. ठीक है, द ईयर ऑफ प्रिंटिंग अलॉन्ग विद स्वच्छ भारत लोगो एंड स्लोगन, शक्तिकांत दास जी का इस पर सिग्नेचर होगा. सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट है जो आप देख पा रहे हैं, मोटिफ ऑफ एलोरा केप्स ऑन द रिवर्स डेपिटिंग इंडिया कल्चरल हेरिटेज. ठीक है, तो ये पॉइंट आपको हमने दिखा दिया है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको हम एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में यहाँ पर हम बात कर लें. आपको देखिए पूजा रानी, पूजा रानी ने क्या किया है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और अमित पंगल ने भी गोल्ड मेडल जीता है. आपके सामने इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. ठीक है, तो इंडिया बैग्ड 2 गोल्ड मेडल इन एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019. अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको हम एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे. एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इंडिया 4th नंबर पर था, टॉप किया था बहरीन ने. ये सब पढ़ाया गया आपको. तो कौन कौन से एथलीट ने कौन कौन से गोल्ड मेडल जीते हैं, कौन से सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है यहाँ पर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब आपको इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स का एक इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं. तो सोशल मीडिया का फ्रॉड जो है वो 43% इंक्रीज़ हो गया है, ये इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं. देख लीजिए, सोशल मीडिया में फ्रॉड जो है 43% बढ़ा है इन 2018. एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट ने खुलासा किया है. अगर बात करें मैक्सिमम हम फ्रॉड की, तो मैक्सिमम फ्रॉड आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू हुआ है. यहाँ पर देख लीजिए, स्टडी हैज फाउंड दैट सोशल मीडिया फ्रॉड इंक्रीज बाय 43% इन 2018, और ये मैक्सिमम फ्रॉड फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू ही हुआ है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं. इस रिपोर्ट का नाम क्या था, तो इस रिपोर्ट का नाम देखिए यहाँ पर, करंट स्टेट ऑफ साइबर क्राइम 2019, रिलीज्ड बाई RSA सिक्योरिटी. तो RSA सिक्योरिटी एक संस्था है जिसने करंट स्टेट ऑफ साइबर क्राइम नाम की रिपोर्ट लॉन्च की है. 43% साइबर क्राइम इंक्रीज हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड इन 2018. या पहली न्यूज़ आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पर फेसबुक के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में, व्हाट्सएप के बारे में कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, और आपको ये पता भी है. जैसे मार्क जुकरबर्ग चेयरमैन और CEO हैं फेसबुक के, ये तो आपको पता ही है. फेसबुक का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है. अगर आगे बात करें ट्विटर की, बात करें ट्विटर का भी हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, और उम्मीद कारोदिस्तानी ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, और जैक डोरसे ये CEO हैं. जैक डोरसे आपके पिछले साल RRB के एग्जाम में पूछा गया था कि ट्विटर के कौन है CEO, तो आपको ये नाम याद रखना है. आगे बढ़ेंगे इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम जो है ये फेसबुक के द्वारा ओन है, आपको पता ही है. और इंस्टाग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए 2010 में ये डेवलप किया गया था. आगे बढ़ते हैं, और व्हाट्सएप के बारे में इन्फॉर्मेशन दें तो क्रिस डेनियल CEO है व्हाट्सएप के, ये भी आपको लर्न करना है, और इसकी पेरेंट कंपनी फेसबुक ही है, आपको ये पता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर लिस्ट ऑफ रिपोर्ट और इंडिसेस इन 2019 रिवीजन की स्लाइड आपको हम दे रहे हैं. ये स्लाइड मैं पहले भी आपको दे चुका हूँ, अगर ये स्लाइड आप रिवीजन कर लेंगे तो आपका इंडिसेस वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा याद हो जाएगा आपको. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पर. तो ये स्लाइड आपको पढ़नी है, मैं एक एक पॉइंट यहाँ पे
बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये सारे पॉइंट मैं समझा चुका हूँ आपको पहले भी, और हमारे पास आज न्यूज़ काफ़ी है, तो हम उसकी बात और करेंगे, डीप में करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, हम आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं आज के अपने, हाँ ये देखिए, लिस्ट ऑफ इंडेक्स और रिपोर्ट के साथ साथ हमने आपको एक और भी पॉइंट दिया है, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन जो कि हर साल कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, हमने उसकी भी इंफॉर्मेशन दी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसे आपको याद कर लेना चाहिए। ये लास्ट के टू जो दिख रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये दोनों IBRD मतलब वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है हर साल, ये काफ़ी ज़रूरी है। और अगर आगे बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल इकोनॉमिक, और इसके बाद IMF, हाँ ये अलग, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये दोनों काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हर साल पब्लिश करता है, इसे भी आपको लर्न करना है, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपसे नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने क्या आएगा देखिए, तो मर्जर और एक्विजिशन की हम बात करने वाले हैं, विप्रो एक्वायर्ड स्प्लैश कॉरपोरेशन, तो विप्रो ने एक कंपनी है स्प्लैश कॉरपोरेशन, उसका अधिग्रहण कर लिया है, ये इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं। देखिए क्या पॉइंट है यहाँ पर, देखिए, तो विप्रो कंज्यूमर केयर हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू एक्वायर स्प्लैश कॉरपोरेशन, अ फिलीपींस बेस्ड पर्सनल केयर कंपनी, तो यानी कि ये जो स्प्लैश कॉरपोरेशन है ये फिलीपींस की कंपनी है जिसे विप्रो ने एक्वायर किया है, विप्रो स्प्लैश कॉरपोरेशन, ये दोनों पॉइंट आपको लर्न करना है, स्प्लैश कॉरपोरेशन फिलीपींस की कंपनी है, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अगर आगे बढ़ते हैं तो विप्रो के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, विप्रो का हेडक्वार्टर बैंगलोर में है और 1945 में से फाउंड किया गया था, इसके फाउंडर हैं मोहम्मद हाशिम प्रेम जी, जिनको हम जानते हैं, ठीक। अच्छा, अजीम प्रेम जी चेयरमैन हैं और अबिडाली नीमुचवाला ये CEO हैं विप्रो के, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं, आपने काफ़ी नाम सुना भी होगा इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्प्लैश कॉरपोरेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन दें, तो ये फिलीपींस की कंपनी है, आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, रोलैंडो बी होटलिजा ये चेयरमैन और CEO हैं स्प्लैश कॉरपोरेशन के, फिलीपींस की कंपनी है। चलिए, लिस्ट ऑफ रिसेंट मर्जर, तो रिसेंट मर्जर की एक टेबुलर फॉर्म में इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं ताकि आप इसे जल्दी से रिवाइज कर लें, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। इसके साथ ही साथ आपको हम लिस्ट ऑफ रिसेंट एक्विजिशन की भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मर्जर और एक्विजिशन, हमने आपको ये इंफॉर्मेशन दी है, इसे याद करना जरूरी है, याद आप कर सकते हैं, जो बच्चे बैंकिंग फाइनेंस और इंश्योरेंस वाले हैं उनके लिए तो काफी ये अमृत वाली न्यूज है, ये पढ़ना आपका काम होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, समिट और कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, चाइना होस्टेड सेकेंड बेल्ट एंड रोड फोरम, तो चाइना ने दूसरे बेल्ट और रोड फोरम की मेजबानी की है, चाइना ने सेकंड एडिशन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, आज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। द सेकंड एडिशन ऑफ बेल्ट एंड रोड फोरम वॉज हेल्ड इन बीजिंग चाइना फ्रॉम 25 to 27 अप्रैल 2019, और इस बार की थीम क्या थी, तो इस बार की थीम थी बेल्ट एंड रोड कॉरपोरेशन शेपिंग अ ब्राइटर शेयर्ड फ्यूचर, तो ये थीम थी इस बार की। तो सेकंड एडिशन बेल्ट एंड रोड फोरम ये कहां पर हुआ, बीजिंग चाइना में, दूसरा एडिशन था और इसकी थीम आपके सामने यहां पर आपको दिखाई पड़ रही है। अगर आगे बढ़ेंगे तो इसमें और क्या इंफॉर्मेशन आपको हम दे सकते हैं, देखिए, तो सबसे पहले 2013 में ये इनिशिएटिव शुरू किया था चाइना के प्रेसिडेंट मिस्टर शी जिनपिंग ने, तो ये इंफॉर्मेशन 2013 में शुरू हुआ था, ये आपको याद कर लेना चाहिए। और अगर आगे बढ़ेंगे देखिए यहां पर, द सेकेंड एडिशन ऑफ बेल्ट एंड रोड फोरम वॉज हेल्ड इन बीजिंग चाइना इन विच 37 हेड ऑफ स्टेट एंड 159 कंट्रीज हैड पार्टिसिपेटेड अलॉन्ग विद द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेश एंड इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड चीफ क्रिस्टीना लेगार्ड, यानी कि देख लीजिए यहाँ पर UN के हेड भी यहाँ पर शामिल हुए हैं और IMF की हेड भी यहाँ पर शामिल हुई हैं, मतलब कि ये जो बेल्ट एंड रोड फोरम है, इनिशिएटिव है, ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए भी और पूरे वर्ल्ड के लिए। तो ये है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लें, पहले चाइना की इन्फॉर्मेशन, चाइना की कैपिटल बीजिंग है, करेंसी रनमिनबी है और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, ये तो आपको याद ही है। और अगर आगे बढ़ें तो ये रहा आपका पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना चाहता है पूरे यूरोप को कवर करना, यहाँ से देख लीजिए आप, इसके साथ यूरोप को अफ्रीका को जोड़ना और अफ्रीका को इंडिया से होते हुए पूरा वियतनाम से वापस चाइना को जोड़ना, मतलब ये पूरा बिजनेस रूट होगा जो कि चाइना को अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, यूरोप, हर कंट्री से जोड़ेगा, ये चाइना का सोचना है, मतलब थ्रू हाईवेज, थ्रू सी, मतलब जो सी रूट होते हैं उनके थ्रू चाइना को एक बिजनेस हब बनाना, डेवलप करना, ठीक है। तो ये पॉइंट है आपके सामने, देख लीजिए यहाँ पे काफ़ी बड़ा चाइना चाल चल रहा है बढ़िया चीज़ है, अच्छी चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर वो सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये देख लेना आपको, ठीक है। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं,
लिस्ट ऑफ रिसेंट समिट 2019, ये पॉइंट आपके सामने यहाँ पर है। और यहाँ पर आशीष सिन्हा पूछ रहे हैं कि हाय हाउ आर यू। बेटा पढ़ लो थोड़ा सा यहाँ पर किसी के बारे में, मतलब सब लोग अच्छे हैं, मैं बता दे रहा हूँ सब अच्छे हैं, सब अभी सो के उठे हैं, नहाए धोए नहीं हैं, बस पढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी देखिए तो लिस्ट ऑफ रिसेंट समिट की इन्फॉर्मेशन आपको हमने दी है यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं। कमेटी और रिकमेंडेशन की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या है कि CPWD सेटअप कमेटी। अब ये CPWD क्या है इसके बारे में सुनना होगा आपको, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर जहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। देखिए द सेंट्रल वर्क पब्लिक डिपार्टमेंट, द सेंट्रल वर्क पब्लिक डिपार्टमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट कमेटी टू फॉर्मुलेट अ डिजाइन पॉलिसी फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। यानी कि सेंट्रल वर्क पब्लिक डिपार्टमेंट ये एक हाई लेवल कमेटी बनाएगा जो कि हमारे देश में कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वर्क करेगी। और इस कमेटी को लीड कौन करेंगे, तो इस कमेटी को लीड करेंगे M.K. शर्मा जो कि CPWD के एडिशनल डायरेक्टर जनरल भी हैं। ये CPWD मतलब सेंट्रल वर्क पब्लिक डिपार्टमेंट वर्क क्या करता है, हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको M.K. शर्मा का नाम याद होना चाहिए और इस कमेटी का एग्जैक्टली में वर्क क्या होगा आपको ये पता होना चाहिए। जो आपको मालूम है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज डिजाइन करेगा ये कमेटी। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करें थोड़ी सी। देखिए यहाँ पर तो द मूव इज एम्ड एट रिवाइविंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एट ऑल लेवल इन द CPWD। ठीक है, ये भावनाएं तो हमें क्लियर हैं। ठीक है, तो CPWD के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, इसे हिंदी में हम केंद्रीय लोक निर्माण विभाग बोलते हैं, यानी नाम से मालूम चल रहा है कुछ कंस्ट्रक्शन की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट नाउ MOHUA मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट आता है। इसका वर्क क्या होता है, बिल्डिंग रोड ब्रिज फ्लाईओवर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर लाइक स्टेडियम ऑडिटोरियम इन सबको बनाना इनका वर्क होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एंटरप्राइज है ये। ठीक है, चलिए तो इसको बनाया गया है 1854 में। नरेंद्र मोदी जी सीधे रिस्पॉन्सिबल हैं इस मिनिस्ट्री के लिए और इनके नीचे अगर हम बात करें तो हरदीप सिंह पुरी हैं यहाँ पर स्टेट मिनिस्टर। ठीक है, डायरेक्टर जनरल है प्रभाकर सिंह और रविंद्र कुमार ठाटू, ये डायरेक्टर जनरल प्लानिंग है और सेक्रेटरी हैं प्रदीप कुमार सिन्हा, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज सुनील का बर्थडे भी है तो सब लोग सुनील को विश भी कर दीजिएगा, और सुनील पार्टी वार्टी तो चलेगी है ना, होगी पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर लिस्ट ऑफ रिसेंट कमेटीज, तो अभी रिसेंटली कौन कौन सी कमेटी बनी है मैं आपको पहले भी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, ये इन्फॉर्मेशन दूसरी इन्फॉर्मेशन है तो ये भी आपको याद कर लेना चाहिए। देख लीजिए, तो मोहम्मद कुमारुद्दीन की बात हम कर रहे हैं, उमेश सिन्हा कमेटी की बात कर रहे हैं, क्यों बनाया गया, किसने बनाया, ये भी देख लीजिएगा यहाँ पर, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेशनल अफेयर्स लेवल की बात करते हैं और नेशनल अफेयर्स में हम क्या क्या आज काम करने वाले। देखिए तो ICMR लॉन्च MERA इंडिया, अब ये क्या है इसके बारे में देखिए यहाँ पर। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज लॉन्च द मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च एलियंस। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च एलियंस लॉन्च किया है और इस एलियंस का ऑब्जेक्टिव है 2030 तक इंडिया में से मलेरिया को एलिमिनेट करना, मतलब 2030 के बाद इंडिया में मलेरिया का रोग नहीं होना चाहिए। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च एलियंस लॉन्च किया है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू एलिमिनेट द डिसीज फ्रॉम इंडिया बाई 2030। ये ऐसे पॉइंट बड़े पूछे आते हैं एग्जाम में कि मलेरिया को कब तक एलिमिनेट करना है, टारगेट क्या है, तो 2030। मैंने आपको कुछ दिन पहले इन्फॉर्मेशन दी थी कि इंडिया ट्यूबरक्लोसिस को 2025 तक खत्म करने वाला है, एलिमिनेट करने वाला है, तो ऐसे न्यूज काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। ठीक है, देखिए तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात करें तो 1949 में इसका नाम ICMR पड़ा था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर बलराम भार्गवा, आपको यहां पर दिख रहा होगा। ठीक है, डॉक्टर बलराम भार्गवा। और अगर आगे बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आपको हम दिखाने वाले हैं अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन की। डोरू इसाक बिकेम टेक्निकल डायरेक्टर ऑफ AIEEE फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए इन्हें टेक्निकल डायरेक्टर बनाया गया है। देखते हैं यहाँ पर, देखिए तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अपॉइंटेड रोमानियन डोरू इसाक एज द टेक्निकल डायरेक्टर फॉर अ 3 ईयर, यानी ये रोमानिया रोम के हैं डोरू इसाक, इन्हें टेक्निकल डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है बाई ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो ये पॉइंट आपको यहां पर हम दिखा रहे थे। देखिए तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करें, 1937 में ये बनाया गया, द्वारिका दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है और प्रफुल्ल पटेल इसके प्रेसिडेंट हैं। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात यहां पर हम कर रहे थे। ठीक है,
नेक्स्ट न्यूज में आपको हम दिखा रहे हैं लिस्ट ऑफ फुटबॉल लीग इन इंडिया एंड करंट चैंपियन, यानी इंडिया में जो जो फुटबॉल लीग होती है उसके करंट चैंपियन कौन सी टीम है उसकी लिस्ट आपके सामने यहां पर है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेज और इवेंट की बात करते हैं, तो कुछ पुरानी न्यूज भी है कुछ नई न्यूज भी है। तो वर्ल्ड वेटरनरी डे 28 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है, यहां पर देख लीजिए, मैंने हमेशा बोला कि डे और थीम ही आपको लर्न करनी होती है। तो 28 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार की थीम है वैल्यू ऑफ वैक्सीनेशन थीम आपको जरूर लर्न करनी है। आगे बढ़ेंगे अगर तो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डेज इन द मंथ ऑफ मे, तो मे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज आते हैं वो भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दी है। एक बात याद रखिएगा कि आप सबके एग्जाम इलेक्शन के बाद लगे हुए हैं जून जुलाई अगस्त, तो जनवरी से लेकर मे तक की इंफॉर्मेशन अभी याद कर लीजिए, मतलब एक दो दिन में, उसके बाद फिर आगे इंफॉर्मेशन याद कर लीजिएगा डेज की। एग्जाम में जरूर आता है ये पॉइंट आपको बताइए, तो याद तो करना ही पड़ेगा, और कोई चारा भी नहीं है हमारे पास। चलिए तो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डेज इन द मंथ ऑफ मे हमने अलग से आपको दे दिया है यहाँ पर, और उसके बाद 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ 28 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, ये पॉइंट बस आपको लर्न करना है, बाकी सब भावनाएं समझने वाली बात है। और आगे बात करें हम लोग तो यहाँ पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा में है और इसके डायरेक्टर जनरल है गाय राइडर, आपके सामने यहाँ पर है, ठीक। चलिए इन्फॉर्मेशन कल की बात करें तो कल इंटरनेशनल डे, इंटरनेशनल डांस डे जो है सेलिब्रेट किया गया, आइए उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल डांस डे 29 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, और अगर हम बात करते हैं इसकी थीम की तो डांस एंड स्पिरिचुअलिटी इसकी थीम है इस बार की। और आज डे कौन सा है वो हमने बात पहले ही कर ली है, आज नेशनल एंटी चाइल्ड लेबर डे है, नेशनल है इंटरनेशनल नहीं है, इंटरनेशनल वाला 12 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, आज नेशनल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, लिस्ट ऑफ क्लासिकल डांस इन इंडिया। तो क्लासिकल डांस इंडिया से कौन कौन से हैं वो आपको लर्न करना है। भरतनाट्यम, नाट्यम में टी आ रहा है मतलब तमिलनाडु होना चाहिए। कथक की बात करें तो कथक वैसे नॉर्थ इंडिया में डांस होता है लेकिन ये उत्तर प्रदेश का मेन डांस है। कथकली केरला का है, कथकली बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, कथकली केरला की कली याद कर लीजिए आपको याद हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, आंध्र अंधेरे में कुचिपुड़ी खाई, इस तरह ट्रिक होती है हमारी। ओडिसी ओडिशा याद करना जरूरी नहीं है, मतलब ओडिसी नाम से हम चल रहा है ओडिशा में, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरला ये आपको लर्न करना होगा, और सत्तरिया ये असम में है, ये आपको मतलब आपको लर्न बेसिकली यही करना है, और सब तो मतलब ऐसे ही याद हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डेज विद थीम अप्रैल रिवीजन, ये मैं आपको पहले भी इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। तो अप्रैल में कौन कौन से डेज अभी तक हुए हैं उनकी थीम क्या है, एक बढ़िया इंफॉर्मेशन आपको स्लाइड पर मिल रही है, इसे आपको रिवीजन कर लेना है अगर आपने अभी तक याद नहीं किया है तो, मैं आपको पहले भी इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे, स्पोर्ट्स की बात करेंगे, स्पोर्ट्स की बात करते हैं हम लोग यहां पर। तो क्लेयर टू बिकम फर्स्ट वुमेन एम्पायर, तो क्लेयर जो है ये फर्स्ट वुमेन एम्पायर बनी है, बड़ी अच्छी बात है। और हम आगे बढ़ते हैं और भी इंफॉर्मेशन आपको दिखाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की हैं, इनका नाम है क्लेयर पोलोसेक। क्लेयर पोलोसेक क्रिएटेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट वुमेन अंपायर एवर टू स्टैंड इन मेंस वनडे इंटरनेशनल, मतलब कि पुरुषों के वनडे इंटरनेशनल में पहली महिला अंपायर बनके ये इतिहास रच चुकी हैं। इनका नाम क्या है, क्लेयर पोलोसेक, जो कि ऑस्ट्रेलिया की निवासी हैं। इन्होंने ICC वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिवीजन 2 में अंपायरिंग की है और ऐसा करने वाली ये पहली महिला है, ठीक है। देख लीजिए आगे, ठीक है, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ये रहा आपका, कैपिटल कैनबरा, करेंसी डॉलर, मोनार्च एलिजाबेथ सेकेंड और प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, आपके सामने इंफॉर्मेशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, यानी जो बच्चे SSC की, रेलवे की या UPSC की तैयारी करने जा रहे हैं तो उनके लिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है। आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है इंडिया की पहली लेडी और वर्ल्ड की पहली लेडी, तो हमने आपको यहाँ पर वर्ल्ड की पहली लेडी की इंफॉर्मेशन दी है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है जो हमारे स्लाइड में है, जो कि आपको पढ़ लेना है, ठीक है। देख लीजिए, हमने पूरी इंफॉर्मेशन दी है आपको, स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, आपको लर्न करना है, आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है ये न्यूज़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, देखिए यहां पर
ठीक चलिए, स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, हिमा दास इंक्लूडेड इन वर्ल्ड रिले टीम। तो वर्ल्ड रिले एक कंपटीशन जापान में होने वाला है, जहां पर हिमा दास को भी शामिल किया गया है इंडियन टीम में। आइए उसके बारे में इंफॉर्मेशन दें। तो हिमा दास वॉज नेम्ड इन इंडियाज वुमेन 4x400 meter रिले टीम फॉर द वर्ल्ड रिले टू बिगिन इन योकोहामा जापान नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ का मतलब मई में। तो अब यह भी आपको याद रखना है कि वर्ल्ड रिले ये जो रेस है ये किस देश में मई में होगा, जापान में होगा। जापान में कहां, योकोहामा में। और यहां पर इंडिया टीम में हिमा दास को भी शामिल किया गया। हिमा दास कौन है तो आपको ये पता ही है, हिमा दास नेशनल स्प्रिंट क्वीन है, जो कि इंडिया को इन्होंने प्राउड फील कराया था कब, जब इन्होंने ये फर्स्ट इंडियन थी वुमेन टू विन द वुमेन्स 400 मीटर फाइनल रेस इन द IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो ये पहली लेडी बनी थी इंडिया की तरफ से, तो इसलिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यहाँ पर जापान के बारे में। तो जापान की करेंसी क्या है, तो येन है, कैपिटल टोक्यो है और प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट्स में और आपको न्यूज देते हैं। केंटो मोमोटा वॉन बैडमिंटन चैंपियनशिप। कौन सी चैंपियनशिप आई उसके बारे में बात करते हैं। तो वर्ल्ड नंबर वन केंटो मोमोटा, जो कि जापान से बिलोंग करते हैं, रिटेन हिज बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप टाइटल्ड इन शंघाई। तो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप शंघाई में हुई, जिसको केंटो मोमोटा ने जीता, जो कि जापान के निवासी हैं। इन्होंने चाइना के शी युकी को हराया। ठीक, तो ये मेंस की बात है। अब बात करते हैं वुमेन की। तो वुमेन की बात करें तो एकेन यामागुची, जो कि जापान की महिला खिलाड़ी हैं, शटलर हैं, इन्होंने महिला वर्ग का खिताब जीता, मतलब कि वुमेन सिंगल टाइटल जीता। तो देख लीजिए यहाँ पे केंटो मोमोटा, इन्होंने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप जो शंघाई में हुई उसमें मेंस सिंगल टाइटल जीता, और एकेन यामागुची इन्होंने महिलाओं का सिंगल खिताब जीता। तो ये भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। ठीक है, दोनों लोग जापान के निवासी हैं, ये भी आपको लर्न करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे रिसेंट बैडमिंटन न्यूज रिवीजन आपको दे रहे हैं। ठीक, देखिए तो मुंबई शटलर दानी क्लिंच डच इंटरनेशनल बैडमिंटन टाइटल 2019, पहली न्यूज। चाइनीज बैडमिंटन एस लिन डैन क्लिंच द मलेशिया ओपन 2019। तो लिन डैन ने मलेशिया ओपन टाइटल जीता था। इसके बाद देखिए चैंपियंस ऑफ इंडियन ओशिया ओपन बैडमिंटन, इंडियन ओपन बैडमिंटन 2019 जो अभी खत्म हुआ, उसमें हमने मेन सिंगल, वुमेन सिंगल, मेंस डबल, वुमेन्स डबल और मिक्स डबल की इंफॉर्मेशन आपको दी है। ठीक है, और अगर आगे बढ़े तो इंडियन शटलर साई प्रणीत वॉन सिल्वर मेडल एट द स्विस ओपन। तो स्विस ओपन में ये हार गए थे, इन्हें सिल्वर मेडल मिला था। और वर्ल्ड नंबर 9 साइना नेहवाल बिकम द नेशनल चैंपियन फॉर द फोर्थ टाइम, डिफीटिंग वर्ल्ड नंबर 6 पीवी सिंधु। तो ये भी इंफॉर्मेशन है रिवीजन के लिए, आपको काम आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको हमने लिस्ट ऑफ रिसेंट बैडमिंटन चैंपियनशिप और दी है। तो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप की पूरी लिस्ट आपके सामने है, जो कि 2019 में हुई, और यहां पर भी केंटो मोमोटा ने ये मैन सिंगल टाइटल जीता। देख लीजिए आपके सामने पूरी इंफॉर्मेशन है, आराम से पढ़ लीजिएगा। मैन सिंगल, वुमेन सिंगल, मेंस डबल, वुमेन्स डबल, मिक्स डबल। तो ये ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप की न्यूज आपको हम दे रहे हैं रिवीजन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट्स की बात करते हैं, और स्पोर्ट्स में इंडिया एंडेड विद 16 मेडल एट AWC। अब ये AWC क्या है, आई इसके बारे में बात करते हैं। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की बात यहां पर हो रही है। देखिए तो आपको पता है कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहां पर हुई, चाइना के शियान प्रांत में हुई, प्रोविजन में हुआ, चाइना शियान। ठीक, और इंडिया ने 16 मेडल जीता। इस 16 मेडल में क्या क्या था, आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए तो मेंस फ्री स्टाइल रेसलर बैग्ड 8 मेडल कंप्राइजिंग 1 गोल्ड, 3 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज। तो जो हमारे पुरुषों की टीम थी उन्होंने टोटल 8 मेडल जीते, जिसमें से 1 गोल्ड था, 3 सिल्वर था और 4 ब्रॉन्ज था। ठीक, और अगर वुमेन की बात करें तो वुमेन्स ने चारों के चारों ब्रॉन्ज मेडल ही जीते हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर हम दे रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए यहां पर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पर आपको लिस्ट ऑफ रिसेंट रेसलिंग चैंपियनशिप की बात कर लें। तो आपको याद होगा डैन कोवलोव, अभी चैंपियनशिप हुई थी जहां पे बजरंग पुनिया ने बुल्गारिया में गोल्ड मेडल जीता था, और पूजा धंधा ने भी गोल्ड मेडल जीता था। ये दोनों इंफॉर्मेशन हमने आपको अलग से दी है रिवीजन करने के लिए। ठीक है, और अगर आगे बढ़े हम लोग
तो नेक्स्ट स्पोर्ट की न्यूज, तो इंडिया एंड्स विद 13 मेडल एट एबीसी। अब ये एबीसी क्या है, तो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात हो रही है, इंडिया को 13 मेडल इसमें मिला। काफी स्पोर्ट्स की न्यूज है आज, ठीक है। देखिए यहां पर, तो इंडिया हैज वॉन 13 मेडल इंक्लूडिंग 2 गोल्ड 4 सिल्वर एंड 7 ब्रॉन्ज। अब ये 2 गोल्ड क्या थे, तो हमने आपको अपने करंट अफेयर्स के स्टार्टिंग में ही आज एक स्लाइड दिखाई है जिसमें दोनों गोल्ड मेडलिस्ट का नाम हमने आपको दिखाया। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि ये जो आपका एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, ये थाईलैंड बैंकॉक में हो रहा था, ये आपको लर्न करना बहुत जरूरी है। इंडिया ने 13 मेडल इसमें जीता, 2 गोल्ड 4 सिल्वर एंड 7 ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, देख लीजिए यहां पर। तो आइए आपको दिखा भी देते हैं, तो ये रही पूरी इंफॉर्मेशन। अमित पंगल ने 52 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता और पूजा रानी ने 81 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद फिर सिल्वर है और ब्रॉन्ज की लिस्ट आपके सामने है, हमारे पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर देखिए मार्कान कप भी हुआ था जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो मार्कान कप जो ईरान में हुआ था उसमें दीपक सिंह ने भी गोल्ड मेडल जीता था और ललिता प्रसाद ने सिल्वर मेडल और मनीष कौशिक ने सिल्वर मेडल। तो देखिए आपको इसमें दीपक सिंह का नाम याद रखना जरूरी है जो कि मार्कान कप ईरान में हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीता था। ये आपको काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड में दे रहा हूं, मतलब स्पोर्ट्स में अगर आप इसे आज रिविजन कर लेते हो तो एक बहुत बड़ा पॉइंट आप कवर कर लोगे हमारे केवल आज के करंट अफेयर से। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आज आपको हम दे रहे हैं, ठीक है, देख लीजिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। देखिए जीबी बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुआ था, ये हेलेंस्की फिनलैंड में हुआ था, तो इसमें कविंदर सिंह ने गोल्ड मेडल दिया था, ये भी इंफॉर्मेशन आपको लर्न करनी है। काफी बढ़िया न्यूज हमने आपको यहां पर दी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब ऑबिशरीज की बात करते हैं जो हमें सबसे कम पसंद है हमारे करंट अफेयर्स में। किसी के डेथ की बात करना अच्छा अच्छी बात नहीं होती है, फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर, इनका नाम है पूनम कन्नन, हु वॉज फेसिंग एक्यूएट फाइनेंशियल क्राइसिस, डाइड एट अ सिटी हॉस्पिटल ऑन 28 अप्रैल। तो मतलब क्या है कि पूर्व भारतीय फुटबॉलर पूनम कन्नन का निधन हो गया है, पहली न्यूज आपके सामने। अगर आगे बात करते हैं तो आपके सामने दूसरी न्यूज ये है, सीरम सुब्रमण्यम, ये कि हमारे देश के फेमस ताल वादक थे विजयवाड़ा के, इनका भी निधन हो गया है, नाम आपके सामने यहां पर है, याद करना है आपको, ठीक है। दूसरी ऑबिचरी न्यूज आज की। और तीसरी बात करें तो फॉर्मर इथोपियन प्रेसिडेंट, इनका नाम है नेगासो गी डाडा सोलन, इनका भी निधन हो गया है जर्मनी में 75 एज ईयर में, ठीक है। तो ये भी आज की तीसरी अबिट्रीज आपके सामने यहाँ पर है। किरण जी गुड मॉर्निंग है, लेकिन गुड मॉर्निंग 7:30 पे आप करेंगी तो ज़्यादा खुशी होगी। पीडीएफ अभी आज, दीपक बोले आज पीडीएफ नहीं है, आज नहीं, हमेशा हमारे शो में पीडीएफ ड्यूरिंग शो पीडीएफ नहीं होता है, आज की बात नहीं है, ये हमेशा की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो लिस्ट ऑफ ऑबिचरीज इन मार्च 2019, तो मार्च में जिन जिन फेमस पर्सनालिटी की डेथ हुई है उसकी रिवीजन स्लाइड आपको यहां पर हम दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए यहां पर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। इंटरनेशनल न्यूज की बात कर रहे हैं और आपको पता है कि अभी श्रीलंका में एक आतंकवादी अटैक हुआ था, उसके कॉन्टेक्स्ट में वहां के गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिया है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए तो श्रीलंकन प्रेसिडेंट हैज बैंड नेशनल तौहीद जमात एंड जमाते मिलाथू इब्राहिम, इस दो आतंकी संगठन को बैन कर दिया गया है। मैंने गलत वर्ड यूज कर लिया, दो आतंकी संगठन नहीं, मतलब कि इन दोनों संगठन का इस बम ब्लास्ट से जुड़ने का कुछ पॉइंट मिला है जिसकी वजह से इन दोनों संगठनों को बैन कर दिया गया है। तो देख ले नाम, इनका नाम याद रखें, नेशनल तौहीद जमात और जमाते मिलाथू इब्राहिम, याद रखना काफी जरूरी है, काफी ये हॉट टॉपिक है और एग्जाम में बिल्कुल आने के चांसेस हैं। इन दोनों संगठन का नाम आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आगे क्या, श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने यह भी बोला है कि चेहरे को ढकने वाले जो भी चीजें हैं, जैसे बुर्का हो गया, घूंघट हो गया या मास्क हो गया, उसको पहनने पर भी बैन लगा दिया गया है ताकि आपकी पहचान हो सके। तो यह भी इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं यहां पर, ठीक है। बात करते हैं श्रीलंका की, तो कैपिटल इसकी है कोलंबो, इकोनॉमिक कैपिटल, और श्री जयवर्धने पूरा कोट्टे इसकी है लेजिस्लेटिव कैपिटल, जस्ट लाइक दिल्ली एंड मुंबई, ठीक। श्रीलंकन रुपीस चलती है करेंसी में, प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रम सिंघे हैं और प्रेसिडेंट मैत्रीपाला सिरीसेना हैं। तो आपके सामने ये इंफॉर्मेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में एक न्यूज और, तो हमारी डिफेंस मिनिस्टर जो हैं अभी वो बिश्केक दौरे पर गई हैं, क्यों गई हैं आइए उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी सी हम दे दें। देखिए डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अटेंडेड द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग इन द किर्गिज कैपिटल बिश्केक।
तो किर्गिस्तान की कैपिटल बिस्केक में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग हो रही है, मतलब कि डिफेंस मिनिस्टर लेवल की मीटिंग हो रही है। कहां पर? किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में। वहां पर हमारी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो गई हैं, 3 दिन के विजिट पर ये गई हैं किर्गिस्तान, ये देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये तो ठीक है, भावनाओं को समझने वाली बात है, हम आगे बढ़ते हैं। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ी सी स्टडी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखिए, आपको मैप पे दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए, तो हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है और इसके मेंबर हैं 8 मेंबर स्टेट। वो कौन कौन से हैं? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 8 मेंबर परमानेंट मेंबर हैं इसके। ठीक, तो आइए उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन आपको हम दे पाते हैं वो ले चलते हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, 4 ऑब्जर्वर स्टेट हैं और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोव, ये देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए ये याद करना जरूरी पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं और आपको एग्रीमेंट और एमओयू पे लेके चलते हैं। तो इंडियन आर्मी चाइना और पाकिस्तान से जुड़े हुए इलाकों में सुरंग बनाने के लिए, टनल बनाने के लिए NHPC से एग्रीमेंट कर रही है, जहाँ पर इंडियन आर्मी अपने गोला बारूद डिफेंस के वेपन को स्टोर कर सके। आइए उसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो इंडियन आर्मी साइंड अ MOU विथ नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इंडियन आर्मी ने नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के साथ एक एग्रीमेंट किया है और इस एग्रीमेंट में 4 अंडरग्राउंड टनल बनाने की बात हुई है अलॉन्ग विथ चाइना एंड पाकिस्तान। 3 टनल जो हैं वो बनेंगे चाइना के साथ और 1 बनेंगे पाकिस्तान के साथ। 7 का मतलब बाउंड्री के पास, साथ में नहीं कि टनल बना दिया साथ में, बात समझना। ठीक है, देखो बताया गया, 3 टनल विल बी बिल्ट अलोंग द चाइनीज बॉर्डर एंड 1 टनल विद द बिल्ट अलोंग द पाकिस्तान बॉर्डर। आपके सामने ये है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया। आगे बढ़ते हैं, तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। ये हमारे देश की मिनी रत्न कंपनी है, मिनी रत्न कंपनी है। फरीदाबाद इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है और बलराज जोशी इसके चेयरमैन और MD हैं। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही होगी। आइए, तो लिस्ट ऑफ हेड ऑफ PSU, तो जो सरकारी कंपनी है उनके हेड कौन है वो आपके सामने यहाँ पर नाम है। आगे बढ़ते हैं, और लिस्ट ऑफ MOU साइंड रिसेंटली, तो अप्रैल में जितने भी MOU साइन हुए हैं उसकी एक इंफॉर्मेशन, रिवीजन स्लाइड हमने आपको दी है। इंडिया जापान ने एग्रीमेंट किया है पॉलिशिंग टेक्नीशियंस इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये नई न्यूज़ है, 29 अप्रैल को ये न्यूज़ थी जो हमने आपको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। उसके साथ साथ जितने और पॉइंट हैं वो आपको पढ़ाए गए हैं, हमारे स्लाइड पर है, एक बार इसका रिवीजन करना ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, देख लीजिए पूरी न्यूज़ आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, चलिए सॉरी, एक्स्ट्रा हाईलाइट की बात करते हैं। तो अभी ISSF राइफल पिस्टल वर्ल्ड कप कंप्लीट हुआ और इसमें इंडिया ने टॉप पे फिनिश किया अपने आप को, तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं। देखिए, तो इंडिया इंडेड देयर कैंपेन एट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप विथ अ टोटल 4 मेडल 3 गोल्ड एंड अ सिल्वर। तो इसमें ISSF जो ये वर्ल्ड कप जो कि चाइना बीजिंग में हो रहा था, इसमें इंडिया ने टोटल 4 मेडल जीते, 3 गोल्ड एंड 1 सिल्वर। काफी बढ़िया परफॉर्मेंस इंडिया का रहा। चाइना जो था वो सेकंड पोजीशन पे था विथ 5 मेडल, जिसमें से 2 गोल्ड मेडल थे। ये बीजिंग चाइना में हुआ था, चाइना दूसरे पे, इंडिया पहले पर, ये इंफॉर्मेशन आपको हमने दे दी है यहाँ पर। ठीक है, तो दिव्यांश पनवर और अंजुम मुदगल इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए, तो 1 मेडल यहां से आया गोल्ड मेडल। आगे बात करें तो मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने, इन्होंने भी इंडिया के लिए 1 गोल्ड मेडल और जीता, मतलब 2 गोल्ड मेडल। ठीक है, अभिषेक वर्मा ने भी गोल्ड मेडल जीता, 3 गोल्ड मेडल। तो तीनों गोल्ड मेडल किन किन खिलाड़ियों ने जीते उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमने आपको एक्स्ट्रा यहां पर दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैक कालिस की बात करते हैं। तो जैक कालिस रिसीव एक मंगा अवार्ड 2019, ये अवार्ड साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट देते हैं। आइए उसके बारे में इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। तो एक्स साउथ अफ्रीका ऑलराउंडर और प्रेजेंट में कोलकाता नाइट राइडर के कोच जैक कालिस हैज बीन ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ इकमंगा इन द सिल्वर डिवीजन। सिल्वर डिवीजन क्या होता है मैं आपको आगे समझाऊंगा भी आपको। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। मैंने आपसे बोला था कि नेशनल ऑनर जो है ये साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट देते हैं उन पर्सन को जो कि आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, जर्नलिज्म, कल्चर, स्पोर्ट्स में बढ़िया मुकाम हासिल करते हैं, उनको ये मिलता है। ठीक है, देखिए जैक कालिस की यहाँ पे हिस्ट्री बताई गई है कि इन्होंने क्या क्या किया है, वो पॉइंट देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर, तो ऑर्डर ऑफ इकमंगा ग्रेड, तो गोल्ड जो है फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, सिल्वर फॉर एक्सलेंट अचीवमेंट के लिए और ब्रॉन्ज फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। तो जैक कालिस को सिल्वर डिवीजन में ये अवार्ड मिला है। आइए आगे बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा लाइट में न्यूज, नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। तो फॉर्मूला 1 रेसर वॉल्टेरी बोटास विन अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2019।
तो मस्टीज की कार चलाने वाले वॉल्टेरी बोटास जो हैं, इन्होंने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 कार रेस जीत ली है। तो ये आपके लिए एक न्यूज और है जो आपको लर्न करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक्स्ट्रा लाइट में, न्यूज नंबर 4 की बात करते हैं। तो 4 आपके सामने आ गया, देखिए। तो कैनरा बैंक एंड कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस, इन्होंने वेब इंश्योरेंस लॉन्च किया है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहां पर कैनरा बैंक एंड इट्स लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर कैनरा HSBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस, यानी नाम से ही मालूम चल रहा है कि ये तीन बैंकों ने मिलकर एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनाई है। कैनरा बैंक ने, HSBC बैंक ने और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने, इन तीनों ने मिलकर एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनाई है जिसने वेब एश्योरेंस नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है ताकि आप आराम से इस इनके पोर्टल पर जाकर इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस कर पाए। वेब इंश्योरेंस ये आपको लर्न करना जरूरी है नाम, ठीक है। देखिए यहां पर तो जो द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इसमें कैनरा बैंक का 51% शेयर है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का 23% शेयर है और HSBC इंश्योरेंस होल्डिंग का 26% शेयरिंग है। तो ये पॉइंट हमने आपको बता दिया, ठीक। चलिए आइए एक्स्ट्रा लाइट में न्यूज नंबर 5 की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट हाइक कस्टम ड्यूटी ऑन व्हीट 240%। तो भारत सरकार ने गेहूं, अगर आप गेहूं इंपोर्ट करोगे बाहर से तो अब जो इसका कस्टम ड्यूटी है वो 30% से बढ़ा के 40% कर दिया गया। देखिए यहां पर, देखिए, द गवर्नमेंट हैज हाइक द कस्टम ड्यूटी ऑन व्हीट टू 40% फ्रॉम 30% टू कर्ब इम्पोर्ट एंड प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। मतलब कि अगर ये जो कस्टम ड्यूटी बढ़ाने से क्या होगा, जो इंडियन इम्पोर्टर हैं जो कि बाहर से गेहूं खरीद रहे हैं उनको अब गेहूं खरीदना महंगा पड़ेगा, तो अब वो इंडिया से ही गेहूं खरीदेंगे तो हमारे डोमेस्टिक मार्केट को इससे स्ट्रेंथ मिलेगी। तो ये पॉइंट 40% इम्पोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज नंबर 6 की बात करते हैं। पेत्रा क्वितोवा विंस मेड इन स्टगार्ट पोर्श ग्रैंड प्रिक्स 2019। मेड इन का मतलब पहला होता है यहां पर। देखिए यहां पर आइए बात करते हैं। तो वर्ल्ड नंबर 3 टेनिस प्लेयर, इनका नाम है पेत्रा क्वितोवा, ये चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी हैं, बीट एनेट, या देखिए यहां पर एनेट कोंटे विट, एस्टोनिया की थी, टू विन स्टगार्ट पोर्शे ग्रैंड प्रिक्स फॉर हर सेकेंड टाइटल ऑफ द ईयर। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि चेक रिपब्लिक की जो टेनिस स्टार हैं, इनका नाम है पेत्रा क्वितोवा, इन्होंने स्टटगार्ट पोर्श ग्रैंड प्रिक्स ये टूर्नामेंट जीता है जो कि जर्मनी में हुआ था। यहाँ पर देख लीजिए, द चैंपियनशिप वॉज हिल्ड एट स्टटगार्ट जर्मनी। तो ये भी पॉइंट आपको लर्न करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक्स्ट्रा लाइट में, न्यूज नंबर 7 की बात करेंगे जो आपके सामने है। तो साउथ कोरिया सेट टू होल्ड एशियान मैरीटाइम ड्रिल। साउथ कोरिया एशियान समुद्री एक्सरसाइज को आयोजित करने वाला है, तैयार हो गया, और यहाँ पर ये होगा भी। देखिए यहाँ पर टू पार्ट, ये दो पार्ट में होगा, एक पार्ट साउथ कोरिया में होगा और दूसरा पार्ट सिंगापुर में होगा। देखिए, अ टू पार्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज बाय द 10 मेंबर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन एंड इट्स पार्टनरिंग कंट्री इज सॉल्टेड टू स्टार्ट इन साउथ कोरिया पोर्ट सिटी ऑफ बुशान। तो साउथ कोरिया का जो एक पोर्ट सिटी है बुशान, वहां पर एशियान नेवी एक्सरसाइज होगा जिसमें कि एशियान कंट्रीज जो 10 कंट्रीज हैं और उनके पार्टनर कंट्री भी इसमें हिस्सा लेंगे, इंडिया भी इसमें हिस्सा लेगा, ठीक है। तो आपको एक नाम याद रखना है, बुशान, बुशान में यह होगा, ठीक। देखिए, तो ड्रिल वॉर शेड्यूल टू टेक प्लेस फ्रॉम 29 अप्रैल टू 2 मई इन साउथ कोरिया, फॉलोइंग विच दे विल हेल्ड इन सिंगापुर फ्रॉम मई 9 टू मई 13। यानी 29 अप्रैल से 2 मई तक साउथ कोरिया और 9 मई से 13 मई तक सिंगापुर में ये पूरा ड्रिल कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पर, इसमें देख लीजिए, तो ये पॉइंट आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया है। द मैरीटाइम एक्सरसाइज इन्वॉल्व 18 कंट्रीज ऑफ द एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग। इसमें इंडिया भी है, मैंने आपको बताया, टोटल 18 देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्स्ट्रा हाईलाइट में न्यूज नंबर 8 की बात करते हैं। तो बजरंग पुनिया टू बिकम फर्स्ट इंडियन टू कॉम्पीट एट मेडिसन स्क्वायर गार्डन रेसलिंग इवेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। तो बजरंग पुनिया जो है ये पहले इंडियन रेसलर बन गए हैं जो कि मेडिसन स्क्वायर, जो कि अमेरिका में है, वहां पर ये फाइट करेंगे। तो बड़ी अच्छी न्यूज है और काफी हमारे लिए प्राउड का विषय है। देखिए यहां पर, एशियन चैंपियन बजरंग पुनिया इज टू बिकम द फर्स्ट इंडियन रेसलर टू फाइट एट न्यूयॉर्क आइकॉनिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन। तो ये पहले इंडियन रेसलर हैं जो यहां पे फाइट करेंगे, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, तो पुनिया हु वॉन द 65 kg मेंस फ्रीस्टाइल गोल्ड एट द रिसेंट एशियन चैंपियनशिप विल बी अमंग द टॉप रेसलर सेलेक्टेड बाय द अमेरिकन गवर्निंग बॉडी फॉर मई 6 टूर्नामेंट। यानी 6 मई को टूर्नामेंट होगा और यहां पर सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। आगे देखें,
तो ये जो बजरंग पुनिया है इनका मुकाबला किससे होगा? इनका मुकाबला अमेरिका के नेशनल चैंपियन ये यानी डायको मलहिल से होगा। देख लीजिए आप इनका नाम यहाँ पर है, याद कर लीजिएगा, थोड़ा टफ नाम है। तो ये भी पॉइंट हमने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको नेक्स्ट न्यूज़ पहले चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर आ रही है आपके सामने, देखिए आइए न्यूज नंबर 9 की बात करते हैं। तो चाइनाज मा लोंग कैप्चर द थर्ड वर्ल्ड टाइटल, इसका मतलब क्या हुआ आइए आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। देखिए तो चाइनाज मा लोंग कैप्चर्ड अ थर्ड ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप कंप्लीटिंग अ ड्रीम कमबैक आफ्टर 6 मंथ ऑन अ साइड लाइन विथ अ नी इंजरी। तो चाइना के मालांग जो है इनका अभी नीज इंजरी हो गया था, तो उसके बाद इन्होंने वापसी की है और इन्होंने अपना तीसरा ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीता है। देख लीजिए आपके सामने है और ये इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं, तो ये याद कर लीजिएगा। हम आगे बढ़े, इनका नाम चाइना मालोंग, याद कर लीजिएगा मालोंग, ठीक है। आइए न्यूज नंबर 10 की बात करते हैं। न्यूज नंबर 10, डोमिनिक थियम क्लिंच द बार्सिलोना ओपन बैंक बार्सिलोना ओपन बैन सबडेल 2019 टाइटल हेल्ड इन बार्सिलोना। तो बार्सिलोना में अभी एक टेनिस टूर्नामेंट हुआ था, उसमें डोमिनिक थीम जो कि ऑस्ट्रिया के प्लेयर हैं उन्होंने ये टूर्नामेंट जीता। डोमिनिक थीम की नाम याद कर लीजिएगा आप लोग, ये आपको इन्फॉर्मेशन हम दे रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ नंबर 11 की बात करते हैं, वो भी स्पोर्ट्स पर ही है और यहाँ पर आपको हम लंडन मैराथन की बात कर रहे हैं। तो लंडन मैराथन 2019 किसने जीता इन मेल कैटेगरी एज वेल एज इन फीमेल कैटेगरी, हम दोनों के नाम आपको बता रहे हैं। तो केनियन इलुएट कीपिचोगे, यही जीते हैं हमेशा, आपने इनका नाम पहले भी सुना होगा मेरे शो में। तो इलियुट कीपिचोगे जो हैं ये लंदन में लंदन मैराथन जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। देख लीजिए यहाँ पर, ये पहली न्यूज़ यहाँ पर है, देख लीजिए इन्होंने 2 hours 2 minutes 37 seconds का टाइम लिया, ठीक है। और इन्होंने ही बर्लिन 2018 में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था 2 hours 1 minute and 39 seconds का। महिलाओं की बात करें तो केन्या की ब्रिगेट कोसी, इन्होंने महिलाओं का खिताब जीत लिया है, ये भी केन्या की हैं, तो ये भी नाम हमने आपको दे दिया यहाँ पे, ठीक है। आइए एक्स्ट्रा लाइट में न्यूज़ नंबर 12 की बात करते हैं। तो अजिंक्य रहाणे जो कि हमारे इंडियन टेस्ट टीम के वाइस कैप्टन हैं, ये हैम्पशायर की तरफ से काउंटी क्रिकेट इंग्लैंड में खेलने वाले हैं। अजिंक्य रहाणे हैम्पशायर के लिए काउंटी क्रिकेट खेलने वाले हैं, ये जगह लेंगे साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज, इनका नाम था एडन मार्कराम, उनकी ये जगह लेंगे यहाँ पर, देख लीजिए, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ नंबर 13 की बात करते हैं। तो MS यादव नेम्ड एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड AIFTIEU, ये क्या है आइए इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दें। तो MS यादव हैज बीन इलेक्टेड एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द न्यूली फॉर्म ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ PTI एम्प्लॉयज यूनियन, जिसका एब्रीवेशन है AIFPTIEU, तो ये उसके जनरल सेक्रेटरी बन गए हैं, ये पॉइंट आपके सामने हमने रख दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, न्यूज नंबर 14। तो न्यूज नंबर 14 क्या है देखिए यहां पर, एस पैडलर शरद कमल विन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019। एस पेडलर का मतलब आपने देखा होगा ना, जो शिप छोटी सी नाव होती है जो आप लेकर वो एक होता है ना पेडलर करते हैं, ठीक है, उसकी बात हो रही, भावना को समझ लो। देखो तो शरद कमल की बात करें, इन्हें स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, कहाँ पे मिला है, एट द एनुअल अवार्ड एंड स्कॉलरशिप फंक्शन ऑर्गेनाइज बाई द तमिलनाडु स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन एंड द इंडिया सीमेंट इन चेन्नई, तो इसमें इनको ये मिला खिताब, ठीक है। आगे देख लीजिए यहाँ पर, तो अदर अवार्ड भी हमने आपको दी है। तो ये तमिलनाडु का जो ये स्पोर्ट्स अवार्ड था, ये पूरी लिस्ट यहाँ पर है, आप इसे आराम से पढ़ लीजिएगा, हमारे पूरे PDF में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको न्यूज़ नंबर 15 की बात करते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट न्यूज़ होगा। हुडको सेलिब्रेट इट्स 49 फाउंडेशन डे ऑन April 25। तो हुडको 25 अप्रैल को अपना 49वां स्थापना दिवस मना रहा था, ये देख लीजिए यहाँ पर। हुडको फुल फॉर्म द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हैज बीन सेलिब्रेटेड इट्स 49th फाउंडेशन डे, ये आपको हमने बता दिया, ठीक है। डॉक्टर एम रवि कांत जो कि CMD हुडको के, तो इन्होंने इस सेरेमनी का उद्घाटन किया, कहां पर, हुडको के हेडक्वार्टर में जो कि दिल्ली में है, तो ये इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है दोस्तों। तो ये पॉइंट हमने आपको बता दिए यहाँ पर, और यहाँ पर अगर आपको हमारा आज का एफर्ट अच्छा लगा तो हमारे सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज दी है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, रिवीजन भी कराते रहते हैं ताकि करंट अफेयर्स के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर केवल अभी 800 लाइव हैं और यहाँ पर केवल 300 लाइक हैं और 4 डिसलाइक भी हैं यहाँ पर, तो लाइक को बढ़ाइए थोड़ा सा, ठीक है।
लाइक को पढ़ाइए. और ये हमारा हो गया यहाँ पर सेशन, और ये रहा आपके सामने पीडीएफ. आपको पता है कि आज हम एमसीक्यू नहीं देते, मंडे को एमसीक्यू नहीं आते, कल से आपको एमसीक्यू मिलने शुरू हो जाएंगे. चलिए, तो बहुत सारी न्यूज़ हमने आपको दी है, आशा करते हैं कि आपको ये सारी न्यूज़ याद हो जाएंगी आज के आज. थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग. अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, कभी गिव अप नहीं करना है. याद रहना, जिद है तो जिद है. और एक पॉइंट, अगर कभी भी आपको कोई डीमोटिवेट करे, मन में हमें सोचिएगा हमेशा, आई कैन, आई विल, आई मस्ट, एंड आई एम वॉट आई एम. थैंक यू सो मच. आप सबका दिन मंगलमय हो.